أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قبل اس کے کہ عنوان تقریر پیش کیا جائے ایک ضروری اطلاع مناسب ہے اور وہ یہ ہے کہ مارٹن روڈ کی میری مجلسوں کا جو اعلان کیا گیا ہے اخبارات نے اس کا وقت 7:30 بجے بتلایا ہے. چند وجوہات کی بنا پر یہ وقت بدل دیا گیا اور وہاں مجلسیں ٹھیک 9 بجے رات کو ہوں گی. ٹھیک 9 بجے کل کے اخبارات میں اس کی تصحیح آ جائے گی. آج ہم امام بارگاہ میں 12 امام کی اپنی آخری تقریر کریں گے اور کل سے یہ سلسلہ اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامیات کے عنوان پر تقریروں کا شروع ہوگا. اس مجلس کے لیے میں ایک ایسا عنوان چاہتا تھا جو اگرچہ فکر کو مسلسل رکھے تاہم ہماری اور آپ کی معلومات میں ایک اور نوعیت کے اضافے کا باعث بنے. یہ عنوان سورہ انعام سے ملتا ہے. اور حضرت ابراہیم احتجاج فرماتے ہیں بت پرستوں سے اور اس دوران میں یہ پوچھتے ہیں, آیت قرآن مجید کی یہ ہے, ای الفریقین احق بالامن, بتاؤ اب ان دو فریق میں سے کون زیادہ امن کا دعوے دار ہے, کون سے فریق کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم امن پسند ہیں. ای الفریقین احق بالامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دامن ایمان کو کبھی ظلم نے مس نہیں کیا وہی امن کے مستحق ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. ابراہیم کی آواز فضائے لامتناہی میں آج تک گونج رہی ہے.
आज तक गूंज रही है और यह सवाल हर दौर में होता रहेगा कि अमन किसकी तरफ से है, अमन का दावेदार कौन है, अमन का हक किसको पहुंचता है और अमन की तारीफ क्या है। खुद जवाब देते हैं हजरत इब्राहिम कि अल्लज़ीन आमनू व लम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्म, जो ईमान लाए और उनके ईमान में शायबे जुल्म न हो, उन्हीं के लिए अमन है, उन्हीं के लिए अमन। तो सबसे पहली मंजिल अमन की यह है कि ईमान हो, अगर ईमान नहीं है तो अमन नहीं है। और ईमान की तारीफ यह है कि ईमान हो महसूस पर नहीं, माकूल पर, शाहिद पर नहीं गायब पर, हुजूर पर नहीं बातिन पर, जाहिरी शय पर नहीं छिपी हुई शय पर। ईमान बिल गायब हो, ईमान बिल गायब हो कि किसी की मर्जी आला हम सब पर कंट्रोल किए हुए है और किसी के हुक्म के हम सब ताबे हैं, और वो हस्ती है कि जो हमारे आबाए अव्वलीन पर अपना हुक्म चला रही थी, और वो हस्ती है जो कयामत तक हमारी आने वाली नस्लों पर अपने हुक्म को मनवाती रहेगी। अगरचे गैर मरी है लेकिन उसकी मर्जी डोमिनेट करती है, उसकी मर्जी सबको घेरे हुए है, सब पर मुहित है। अगर ये ईमान है तो फिर यकीनन ये ख्याल होगा कि अगर हम उसकी मर्जी के आगे जवाब दे हैं तो एक दिन हमसे पूछा जाने वाला है कि हमने क्या किया। जहां वो खौफ पैदा हुआ पुरसिश का, खुद ब खुद इंसान जुल्म से हटता चला, और जैसे जुल्म से हटता चला अमन से हम आहंग होता चला। अगर खौफ नहीं है महशर का तो अमन नहीं है, और खौफ महशर का हो नहीं सकता जब तक के ईमान न हो। इस मंजिल पर ये इंसान के ताल्लुक से खौफ व अमन पर तो हर दौर में गुफ्तगू हो सकती है, फियर एंड सिक्योरिटी, कि हमको खौफ क्या है और हम किस चीज की हिफाजत चाहते हैं। कौन सा शख्स है जो अपने आप को महफूज न रखना चाहता हो, कौन सा मुआशरा है जो अपनी हिफाजत न चाहता हो, कौन सा कबीला है जिसने अपनी हिफाजत की कोशिश नहीं की हो। आगाज से इंसान ने अपनी हिफाजत के लिए मकान बनाए, दरिंदों की से हिफाजत के लिए पहाड़ों को काटकर अपने रहने के लिए घर बनाए। यनहतून अनिल जिबाल बुयूतन आमिनीन, इन्होंने पहाड़ों को काट दिया था फकत इसलिए कि अमन पहुंचाने वाले घर मिल सकें। मौसमों के तगैर और तबदुल ने इंसान को मजबूर किया कि वो अपने जिस्म की हिफाजत करे, अमन के लिए उसने पोशाक को ढूंढा, अमन के लिए उसने कबीले की सूरत डाली ताकि दूसरा कबीला उस पर हमला न करे, अमन की सूरत में उसने सल्तनतें कायम की कि कोई बादशाह मजमूई तौर पर कबीले की हिफाजत करे, अमन के लिए शहनशाहियां कायम हुई कि हमारा मुल्क महफूज रहे। और आज अमन ही के नाम पर दुनिया के आलात जंग और असलहे जंग बनाए जा रहे हैं कि अगर हम जिस कदर अपनी ताकत का इजहार करें उसी कदर हमको अमन मयसर हो सकता है। इसलिए कि कमजोर रहना, कमजोर रहना अपनी अमन को खतरे में डालना है। गरज दुनिया की सारी तरक्कियां बज़ाहिर हिफाजत अमन के लिए, पीस नहीं, फ्री होना इंसान का फियर से, यानी इंसान को खौफ से आजाद रखने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि जहां जहां यह कोशिश हो रही है, जहां जहां यह कोशिश हो रही है, वहां सिर्फ यह देखा जा रहा है कि मादी तौर पर नुकसानात क्या हैं और उन नुकसानात से हम किस तरह से बच सकते हैं। हलाकत का डर, बीमारियों का डर,
चोरी और डाके का डर, और इसी तरह एक कौम का दूसरे कौम पर हमले का डर, ये डोमिनेंट है। ये सबके दिलों में है, फर्द के दिल में है, इज्तिमा के दिल में है, इंसान के दिल में है, कौम के दिल में। मगर बद अखलाकी में मुब्तला होने का डर अभी नहीं है। रूहानी बीमारियों में फंसकर तबाह होने का डर अभी नहीं पैदा हुआ है। बातिनी मुसीबतों से बचने का अभी ख्याल दुनिया को नहीं आया है कि बद अखलाकियां किस तरह से दूर होनी चाहिए, इंसान अपनी सीरत को किस तरह से पाक करे, रूह को किस तरह से अमन दे, फिक्र को किस तरह से अमन दे, शऊर को किस तरह से अमन दे। मुख्तसर किस्सा ये कि जिस्म के सुकून का तो इंतजाम है, लेकिन दिल के सुकून का अभी इंतजाम नहीं है। और सुकून कल्ब के लिए जितनी भी कोशिशें दूसरे इदारे करें, जैसे फलसफा, जैसे तसव्वुफ, जैसे जज्ब, जैसे रूहबानियत, इन तमाम इदारों में सही माना में ऐसा मालूम होता है कि अल्फाज इस्तिलाहात तो हैं, मगर सही तौर पर सुकून कल्ब का निशान नहीं है। थोड़ी सी देर में हम इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सही तौर पर अमन कहां मैसर है। कलाम मजीद में इस लफ्ज पर बड़ी गुफ्तगू हुई है, बड़ी गुफ्तगू हुई है, और खुद हजरत इब्राहिम ने अमन की तारीफ की है, कैसा खौफू मा अशरक तुम, डरूं मैं क्यों जब तुमने शिर्क किया है, मैं क्यों डरूं जब तुमने शिर्क किया है। वला तकाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, डरा हाले कि तुमने शिर्क किया है खुदा से और डरते नहीं है, तुम डरते नहीं है। मालम युनज़िल बिही अलैकुम सुल्तान, जबकि तुमको शिर्क का कोई हक नहीं था, तुम वो जो शिर्क पर शिर्क किए जा रहे हो, और मैं वो हूं कि वज्जह तो वज्जही लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्ध हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक नहीं हूं। फ़ायुल फरीकैन अहक बिल अमन, बतलाओ अब दोनों में से अमन का कौन मुस्तहिक है। शिर्क तुम करते हो और अमन चाहते हो, शिर्क से दूर मैं हूं और मैं अमन का तलबगार हूं, दोनों में अमन किसको मिलेगा, इसलिए कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है, और अमन की तारीफ यह है कि ईमान में जुल्म ना आए, और अमन की तारीफ यह है कि ईमान में जुल्म ना आए। तो सबसे पहली बदअमनी शिर्क से पैदा होती है, जहां शिर्क है वहां अमन नहीं है। ये अकलन फलसफे के एतबार से, मजहब के एतबार से, आप जब कभी इसको साबित करना चाहेंगे खुले दिल के साथ आप ऐलान करें कि जहां शिर्क है अमन नहीं है, मक्कारी है, मक्कारी है, खदा है, फरेब है, अमन का झूठा दावा है, इसलिए जो खुदाए वाहिद व यगाना को नहीं मानता उसको बनी नौ इंसान से हमदर्दी क्या है, उसको इंसान के दुख और दर्द का लिहाज क्या है, उसको परवाह क्या है, उसको कोई फिक्र नहीं, क्यों, इसलिए कि वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता। जिसको चाहे रात में कत्ल कर दे, जिसको चाहे सुबह को कत्ल कर दे, जिसको चाहे इज्तिमाई तौर पे कत्ल करवा दे, इसलिए कि वो जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह के पास जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह के वजूद का कायल नहीं है, इसलिए जहां शिर्क है वहां जुल्म है। यह पहली मंजिल, और यही एक मंजिल है काबिल गौर कि शिर्क की मुख्तलिफ किस्में। एक शिर्क वो है कि जहां ये कह दे कोई कि नहीं उसने नहीं बनाया, मैंने बनाया, यह कायनात यह खुद इंसान की बनाई हुई है, बड़ा शिर्क, बड़ा शिर्क। लेकिन उसके साथ साथ
دینی حلقوں میں بھی شرک کی ایک صورت ہے اور وہ ہے جس کو بارہا کہا گیا شرک فی الجال، یعنی قرار دینے میں شرک۔ مالک کی مرضی یہ تھی کہ یہ ہو، آپ نے اپنی مرضی کا اعلان کر دیا کہ نہیں یہ ہوگا، چونکہ دو مرضیوں کا اعلان ہوا اس لیے آپ نے اس کے ارادے کے ساتھ مخالفت کر کے اعلان شرک کیا، اور جہاں یہ صورت پیدا ہوئی وہاں امن ختم ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک مرضی مالک کی ہے، ایک مرضی آپ کی ہے، آپ کے معنی خدا نخواستہ میرے سننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ معاشرہ ہے، وہ تمدن ہے، وہ اجتماع ہے، وہ قوم ہے جو اس طرح سے محسوس کرے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم بدلے ہوئے حالات میں یہ چاہتے ہیں۔ مالک کی مرضی یہ ہے، ہماری مرضی یہ ہے، یہاں سے امن ختم ہو۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے تاکہ آپ محفوظ کریں، محفوظ کریں اس فکر۔ تو بے امنی وہاں ہوتی ہے جہاں مالک کی مرضی کے خلاف عمل ہو۔ مالک کی مرضی کے خلاف عمل کے معنی یہ، جہاں اطاعت رسول نہ ہو، جہاں حکم رسول پر عمل نہ ہو، جہاں حکم رسول کے مقابل میں کسی اور حکم کو پیش کیا جائے۔ اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس طرح سے وہ لوگ جو اپنے راستے کو الگ کر لیتے ہیں مرضی رسول سے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امن قائم کر سکتے ہیں، امن نہیں ہے۔ اور پھر جہاں شرک آ جائے، جہاں اطاعت رسول نہ ہو، وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ بدامنی مشرک پھیلائے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت تو مشرک نہیں کرتا۔ رسول کو رسول مانتے ہوئے اطاعت رسول سے انکار تو مشرک کا کام نہیں ہے، یہ تو ہم ہی جیسوں کا کام ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں اور رسول کی اطاعت سے بھی انکار کر دیں، یہ ہم ہی جیسوں کا کام ہے کہ کلمہ پڑھیں اور کہیں رسول کی یہ مرضی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے ان حالات میں۔ تو اس کے معنی یہ کہ بد امنی فقط مشرکین ہی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ بد امنی ہماری طرف سے ہو گئی، اس واسطے ہو گئی کہ ہم نے رسول کے حکم کو ٹال دیا، ہم نے رسول کے حکم کو نہیں مانا۔ اور رسول کا مقام یہ ہے کہ امن دیتا ہے، خود امین ہے، مہیمن ہے، یعنی محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی منزل پر بھی اس کی مرضی کو نہ ٹالا جائے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری مرضی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خالق کی مرضی ہے۔ اب اس انداز میں ختمی مرتبت پہ نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ ختمی مرتبت کے آبا، ختمی مرتبت کے اجداد ابراہیم تک، کم از کم قرآن اس کا حوالہ دے رہا کہ مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ امن رہے، امن رہے اور بد امنی نہ ہو۔ سورہ ابراہیم، ابراہیم دعا کرتے ہیں پروردگار رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار تو قرار دے اس شہر کو مقام امن۔ وہاں فرد کی گفتگو نہیں ہے، ابراہیم پورے شہر کے لیے امن چاہتے ہیں۔ پروردگار رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار تو اس شہر کو امن والا قرار دے۔ اور کیسے قرار دے، یہ بہت غور سے سننے کے قابل آئے تھے، وجنوبنی وہ بنی ان نعبد الاصنام، یہ اسی صورت میں یہ شہر امن والا ہو سکتا ہے جبکہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔
ये फिक्र देखिए, रब जहल हादल बलद आमिनन वजनुबनी व बनिया और नाबुदल असनाम, मुझे बचा ले, मेरी औलाद को बचा ले। कि हम कहीं दीन हक को छोड़कर उस परस्ती न करने लगे। क्यों? रब्बी इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरन मिनन्नास, परवरदिगार बुतों ने इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया, इसलिए मुझको मेरी औलाद को सनम परस्ती वसन परस्ती बुत परस्ती से बचा ले, या बुत परस्ती की जो सूरत हो। जिसको सनम कहा जाए उससे मेरी औलाद को बचा ले। वजनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, रब इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरन मिनन्नास फमन तबेअनी, अब जो इस रास्ते में मेरी पैरवी करेगा वो हुआ मिन्नी, वो मुझसे है। वो मन आसानी फैनक गफूर रहीम, और जो मेरी मासियत करे तू बेहतर जानता है। अब तू आने दुआ, जो मेरी पैरवी करेगा वो मुझसे है, जो मेरी मासियत करे तू गफूर रहीम है। मगर मेरी दुआ यानी नबी उलुल अज़्म की दुआ, खलील की दुआ, साहिब शरीयत गर्रा की दुआ, दीन हनीफ के बानी की दुआ यह है कि मुझको और मेरी औलाद को पुतपरस्ती से बचा ले, यह दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? यह दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई यह दुआ कबूल, तो नस्ल इब्राहिम में कोई साहिब ईमान नहीं है। अगर हुई है ये दुआ कबूल, तो औलाद इब्राहिम में एक सिलसिला जरूर आया है, जहां न सनम परस्ती थी, न वतन परस्ती थी, न बुत परस्ती थी, वहां कोई किसी किस्म की परस्ती सिवाय खुदा कय्यूम के नहीं थी। वजनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बचा ले सनम परस्ती से, इसलिए जब बुतों ने इंसानियत की अक्सरियत को परेशान कर दिया। और ये है सूरत परवरदिगार कि ये मेरी औलाद, ये सिलसिला कलाम में देखिए, मैं शुरू से फिर आयत को पढ़ रहा हूं कि मेरे परवरदिगार رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فهو مني ومن أتاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا وليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اب میں اپنی بعض ذریت کو ایک ایسے وادی بے آب و گیاہ میں آباد کرنا چاہتا ہوں جو مقام تیرے بیت محترم سے قریب ہے پروردگار، فقط اس لیے کہ وہ تیری نماز کو قائم کریں۔ میری دعا یہ ہے کہ انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ابراہیم کی ذریت ایک ایسے مقام پر آباد ہوتی ہے کہ جس کے لیے ابراہیم پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ جس بستی میں بسانا چاہتا ہوں اس بستی کو امن والی بستی بنا دے۔ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی بستی کے متعلق، بستی کے متعلق ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ انہوں نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، آواز آئی اے حبیب کہہ دو کہ یہ ہے بیت محترم، من دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں داخل ہو جائے وہ امن پاتا ہے۔ شہر کے متعلق دعا قبول ہوئی، اولاد کے متعلق کیا کہتے ہیں مسلمان؟ اور پھر وہ اولاد کہ جس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میں نے یہ وصیت کی ہے ان کو، نہیں کہا میری زندگی میں ان کو میں چھوڑ رہا ہوں وہاں، کاہے کے لیے؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں۔
نماز کو قائم کریں تو نماز دور ابراہیمی میں اولاد ابراہیم کے ہاتھوں قائم ہوئی، نسل ابراہیمی میں نماز ہوئی، ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ نماز کو قائم کر رہا تھا. یا آپ کوئی رہبری فرمائیں اپنی فکر سے، یا یہ مانیں کہ نسل ابراہیمی میں ایک حصہ تھا جو نماز کو قائم کر رہا تھا، اس حصے کو چھوڑ کر حکیم علی الاطلاق کسی ایسے حصے کو جو کفر سے معمور ہو، صلب طاہر کے لیے اور رحم طاہر کے لیے منتخب نہیں کر سکتا. میں نے ذرا سا بلیغ کر دیا جملے کو، جو حصہ طاہر تھا، جو حصہ نماز کو قائم کر رہا تھا، جس حصے پر اولاد ابراہیم میں سے ابراہیم کو ناز تھا، اس سلسلے سے ہٹا کر کسی غیر صالح سلسلے میں نور ختمی مرتبہ کیسے جاتا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آبائے پیغمبر مسلمان تھے، اجداد پیغمبر مسلمان تھے، اور اس کو بار بار دہرانے کی فقط اس لیے ضرورت ہے کہ کہیں بدامنی نہ ہو جائے. اس لیے کہ فکر میں کبھی امن نہیں پیدا ہوگا، فکر کبھی معمون نہیں ہوگی، کبھی آپ اپنی فکر کو امن کے عالم میں نہیں پائیں گے اگر باپ دادا میں کفر کو آپ نے دیکھا پیغمبر کے. اس لیے کہ جہاں باپ دادا میں کفر نظر آئے گا وہاں میں نے کہا ہے، پھر کہتا ہوں کہ دہشت کی تاریخ تک آپ کو ایک فکر پریشان سے کام پڑے گا. دہشت تک نبی کیا تھے؟ وہ کون سا دور ہے نبوت کے لیے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جس میں تمیز پیدا ہو؟ کوئی اور نام ہے؟ ایک تو ہے اسلام، دوسرے نبوت. نبوت کے بعد اگر اسلام ہے تو نبوت سے پہلے کیا دور ہے؟ 40 برس تک کیا تھے؟ 40 برس تک کیا تھے؟ یہ سوال ہے غور کے قابل. تو اولاد ابراہیم نے بت پرستی نہیں کی، اولاد ابراہیم نے بت پرستی نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی کہ شائبہ امن ختم ہو جاتا. اگر فکر کا آپ نے ساتھ دیا تو ہم خلاصہ کلام پر پہنچے. جس نے بت پرستی نہیں کی اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بت شکنی بھی کرے. ورنہ خود ابراہیم کے لیے کہ ابراہیم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، ہمیشہ انکار کرتے رہے، اور جا کے اس بت شکن خلیل نے بڑے بت کو توڑ دیا، یا کسی بت کو توڑ دیا. سب لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو یہاں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، پکڑو. ابراہیم لائے گئے. تم نے توڑا؟ کہا یہ تمہارے خدا ہے نا، یہ جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے، ان سے پوچھو کس نے توڑا. سب خاموش، سب خاموش کہ کس سے پوچھیں کہ کس نے توڑا. ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ ابراہیم نے توڑا، مگر جب ابراہیم نے ان کی بنائی ہوئی الوہیت کو درمیان میں ڈال دیا کہ بتاؤ ان سے پوچھو، یہ تو خدا ہے، وہ بتلا دیں گے کس نے توڑا.
जवाब नहीं मिला, वो वापस हो गए कि हम सजा दें। तो आपको ताज्जुब होगा इस मकाम पर कि अगर इब्राहिम पहले से बुतपरस्त होते तो वो ये नहीं पूछते कि तुमने क्यों तोड़ा, वो ये कहते कि जिसकी एक उम्र तुमने परस्तिष की, आज ये सिला दे रहे हो। आपने देखा इस पेशानी की तहारत की जरूरत है अल्लाह के सजदे के लिए। ताहिर पेशानी चाहिए उसके सजदे के लिए। वो इब्राहिम थे खलील, पहले बुत शिकन का नहीं, किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि आपने इतने दिन जिसकी परस्तिश की थी उसको क्यों तोड़ दिया, यह न पूछा किसी का, तुमने तोड़ा का उससे पूछो। अब इब्राहिम दुआ कर रहे परवरदिगार मेरी औलाद को भी बचा ले, मेरी औलाद को बचा ले, नस्लन बाद नस्लन बचाते चल। परवरदिगार इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन्नास, बुतों ने इंसानियत को और उसकी अक्सरियत को तबाह कर रखा है। उमर बिन लही ने खाने काबा की छत पर हुबल के बुत को लाके रख दिया और कहा कि कबाइले अरब का इख्तलाफ सही, लेकिन अगर सारे कबीले किसी बात पर मुत्तहिद हो सकते हैं तो वो हुबल पर, वरना हर कबीले का पुत अलग, हर कबीले का खुदा अलग। चुनांचे बनी मदहत यहूस की परस्तिश करता था, यहूस एक पुत था जिसकी शक्ल शेर की थी। औस और खजरज लात की परस्तिश करते थे, ये ताइफ का मशहूर बुत था जो उनके तिजारती मेले के दौरान में मक्के को लाया जाता था। कुरैश और कनाना उज्जा की परस्तिश करते थे, ये औरत की शक्ल थी। बनी कल्ब वुत की परस्तिश करते थे और बनी तमीम एक बुत था बहुत बड़ा तीम, उसकी परस्तिश करते थे। हर कबीले का एक बुत था और हर कबीले का एक हलीफ था। जो बुतों की परस्तिश करते वो कबीला सरदार कबीला कहा जाता और जो बुतों की दरबानी करते वो कबीला मातहत कबीला करार दिया जाता कि ये हमारा पाबंद हलीफ है, लड़ाई में ये कबीला हमारा साथ देगा। सब अलग अलग होते और अगर मेले के वक्त तिजारती मंडी जब लगती, मेले के वक्त किसी को तवाफ करने का या गिर्द फिरने का बुतों का मौका नहीं मिलता तो वो अपना एक नया पत्थर साथ लाता, उसका नाम होता दवार। वो किसी मकाम पर मैदान में नस्ब कर देता, उसके अतराफ तवाफ करता, उसका कबीला उसके अतराफ परस्तिश करता और उसके बाद जब वो सफर खत्म होता वो चले जाते, दवार वहीं रह जाता। ये मुख्तलिफ मकाम पर अरब में ये दवार आज तक पाए जाते हैं, जबकि जहां जहां जमीन की खुदाई हो रही है। ये पूरा अरब बुत परस्ती में मुब्तला था। जिस वक्त नबी मबऊस हुए खुद खाने काबा में 360 बुत थे, मौसमों के खुदा थे, दिनों के खुदा थे, जंग का खुदा, सुलहों का खुदा, बारिश का खुदा, बहार का खुदा, खिजा का खुदा, और इस मंजिल पर एक दूसरे से खिंचे हुए, एक दूसरे से लड़ाई पर आमादा, एक दूसरे से जंग पर तैयार, खुदाओं में जंग हो रही है। यहां तक के आप मबूस हुए, मबूस हुए जब पहली मरतबा आवाज दी इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम व युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मुझसे वही की गई है कि तुम्हारा खुदा एक है। तो किसी ने खातम से यह नहीं कहा कि फिर अब तक क्यों परस्तिश की, फिर अब तक क्यों परस्तिश की, किसी ने नहीं कहा, किसी तारीख में नहीं है।
किसी तारीख में यह नहीं है कि तुम उसको बुरा कहते हो जिसकी तुम्हारे बाप ने परस्तिश की थी। किसी तारीख में हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक कोई बतला दे कि अबू सुफियान ने यह एतराज किया हो, अबू लहब ने यह एतराज किया हो, अबू जहल ने एतराज किया हो कि आज तुम हमारे बुतों को बुरा कहते हो जबकि तुम्हारे बाप ने परस्तिश की थी। अबू तालिब ने भतीजा की हिफाजत की, आज भतीजे की हिफाजत कर रहे हो तौहीद के मसले पे, कल तक हमारे साथ थे। किसी ने एतराज किया कि आज भतीजे का साथ दे रहे हो, कल तक तो हमारे साथ थे। ताज्जुब होगा कि तारीख में एक एक कबीले का एक एक बुत बतलाया गया। मैं जैसा कैस कर चुका हूं, बनी मजहब का, औस का, हजरत का, बनी असद का, सीम का, कुरैश का, कनाना का, मगर कितने तारीख में यह नहीं बतलाया कि औलाद हाशिम का यह बुत था। किसी तारीख को उठा के देखिए, इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में जो तारीख पढ़ाई जा रही है, तारीख इस्लाम नजीब आबादी की, कि हाशिम की औलाद का यह बुत। तो जब पैगंबर ने आवाज बुलंद की कि युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मुझसे वही की गई है कि तुम्हारा खुदा एक है, तो सब चुप। जब तुम हमारी तौहीन कर रहे हो, हमारी दुश्मनी का मायल हो रहे हो, हमको परेशान करना चाहते हो, हम तुमको नुकसान पहुंचा देंगे, मगर किसी की जबान से यह नहीं निकला कि अपने बाप दादा के खुदाओं की तौहीन कर रहे हो। अब्दुल्लाह परस्तिश करते थे, अबू तालिब परस्तिश करते थे, अब्दुल मुत्तलिब परस्तिश करते थे, हाशिम परस्तिश करते थे, किसी ने नहीं कहा। वरना अरब में तो नसाब थे ना, नसब के जानने वाले, उनको मालूम था किसका नसब कैसा है और किस नसब का कौन खुदा है, कौन बुत है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। और आप शिद्दत पसंद होते गए। इब्तदाई सूरतों में जो शान नजूल है वो मैं बाद मकामात पे आपको सुना चुका हूं। बड़ी शिद्दत, ऐसी सजा दूंगा, इतना सख्त बदला लिया जाएगा, यूं फेंके जाओगे जहन्नम में, यूं जलाए जाओगे, ऐसी ऐसी बातें, और सब चुप परेशान, यानी बिलबिला जाते हैं। मगर ये नहीं कह सकते कि तुम भी तो हमारे साथ थे। ऐसे में नबी की हिजरत वाके हुई, मदीना गए, मदीना गए, और जैसे क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा अर्ज किया जा चुका, आवाज आई लरातो का इलामात, फिर हम लाएंगे मक्का, मक्के तक पहुंचा देंगे। मक्का वापस आए फतेह मक्का के साथ, 12,000 तलवारें खुली हुई थी। अबू सुफियान पनाह मांग रहा, अब आए, अब आए। तो ये वो मौका था कि जहां खत्मी मर्तबत ने एक मर्तबा फिर नस्ल इब्राहिमी का इम्तिहान लिया, नस्ल इब्राहिमी का इम्तिहान लिया। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, इससे पहले आप सुन चुके हैं मेरी जबान से, कि जब कभी जंग की आग भड़कती थी, खत्मी मर्तबत अपने अहले बैत को जंग की हौलनाकियों में ढकेल देते थे, वो वकाब ही मसा बहु, और इस तरह से अपने असाब को बचा लेते थे ताकि कल के दिन किसी की कोई नस्ल पैगंबर पे एहसान न रखे कि हमारे बाप दादा ने जो लड़ाइयां जीती थी उसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह कामयाब व कामरान हुए थे। यह अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है कि हम गए लड़ाइयों में, वो वकाब ही मसा बहु, और ये रसूल की आदत थी कि अपने असाब को अपने नजदीक रखते थे कि तुम यहां रहो, अली तुम जाओ, उबैदा तुम जाओ, हमजा तुम जाओ, जाफर तुम जाओ। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन उसके बाद फेरिस देते हैं, चुनाचे उबैदा तुम हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब बदर में शहीद हुए, हमजा तुम अब्दुल मुत्तलिब ओहद में शहीद हुए, जाफर इब्न अबू तालिब जंगे मौता में शहीद हुए, और मैं तो तमन्ना ही करता रहा कि रसूल की जिंदगी में शहादत पा जाऊं, मगर रसूल की दुआएं साथ थी। यह थी जंग की हौलनाकियां कि अहले बैत जाएं, मगर फतेह मक्का की वो मंजिल आई
کہ جہاں سارے مورقین متفق ہیں بلکہ چپ ہیں, چپ رہنے پر متفق, چپ رہنے پر متفق ہیں کہ یہاں چپ ہو جاؤ, کہ وہاں جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچے فاتح کی حیثیت سے تو دو حکم نافذ کیے. پہلا حکم یہ کہ شراب نہیں بکے گی, ان اللہ حرم بیع الخمر, آج سے مکے میں شراب نہیں. دوسرا حکم کہ اب بت نہیں رہیں گے, اب بت نہیں رہیں گے. اب کون آگے بڑھے, یہ گفتگو اب کون آگے بڑھے, وہ آگے بڑھے جو مول دنیا کی عداوتوں, وہ آگے بڑھے جو دنیا کی دشمنیوں کی فکر نہ کرے, وہ آگے بڑھے جو یغوث کو توڑے بنی مذہب کو دشمن بنا لے, وہ آگے بڑھے جو عزا و لات کو توڑے اور قریش و کنانہ کو دشمن بنا لے, وہ آگے بڑھے جو حول کو توڑے اور پورے مکے کے قبائل کو اپنا دشمن بنا لے. اگر سے ہو گئے تھے اکثر مسلمان, اگرچہ ہو گئے تھے اکثر مسلمان, مگر برسوں کی ریاضتیں تو پسکتے میں گزری, برسوں کی ریاضتیں جو صرف پسکتا ہوئی تھی ان کے لیے وہ سافٹ کارنر تھے, وہ دل کے گوشے میں ان کے لیے ایک نازک مقام تھا کہ ہم کیوں توڑیں, کتنے دن پرستش کی ہے. تو اب دو صورتیں تھیں آگے وہ بڑھے, ایک تو یہ کہ جس نے کبھی زندگی بھر بت پرستی نہ کی ہو, دوسرے وہ جو آنے والی دشمنی کی پرواہ نہ کرے. میری تقریر کا یہ خلاصہ ہے. اب کتنی بڑی بدامنی ہے, کتنی بڑی بدامنی ہے, لیکن دیکھیے امن کے معنی آپ سمجھ میں آئے. امن کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان رائے حق سے چلتے چلتے ڈر کے ہٹ جائے کہ کون دشمن ہو رہا ہے, نہیں, امن کے معنی یہ رائے حق میں اڑ جائے اس لیے کہ دل کو امن ہے, فکر کو امن ہے, دماغ کو امن ہے, عقل کو امن ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو ایسے موقع پر ایک ایک پہ نظر گئی, ایک ایک پہ نظر گئی, جس پہ نظر گئی پھر اس نے پلٹ کے دوسرے کو دیکھا کہ کہیں آنکھیں چار نہ ہو, آنکھیں چار نہ ہو. یہ بدر کی لڑائی نہیں ہے, یہ احد کی لڑائی نہیں ہے, یہ خیبر کی لڑائی نہیں ہے کہ چلو حوصلے ہی نکال لیں. یہاں تو قبائل سے جنگ ہے, اور قبائل بھی کیسے جو آپس میں حلیف ہوں. ایک مرتبہ امیر شام نے قتل کامل المومنین کو اور یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں کوئی بڑائی نہیں ہے, بلکہ آپ سے پہلے اور بھی بزرگیاں بعض افراد کو حاصل تھی. غصے میں لکھا مال الطلقاء واولا ولی اولاد الطلقاء وللتفصیل بین الطبقات الصحابہ, غلاموں کو اور غلاموں کی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسلمین مہاجرین کی تفصیل اور ان کے طبقات سے گفتگو کریں. غلاموں اور غلاموں کی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمارے متعلق گفتگو کرو, اور اس کے بعد آپ تفصیل کی منکم المکذب و من النبی, تمہارا ہمارا فرق یہ ہے کہ تم میں ہمیشہ جھوٹ لانے والے آئے اور ہم میں ہمیشہ نہ. یہ ہے ہم, یہ ہے ہم, یہ نہیں کہ دشمن کون ہے, یہ نہیں کہ کون مخالف ہے. ایسے موقع پہ جب نگاہ گئی سب چپ ہو گئے, سب چپ ہو گئے, اور وہی کہا ہوا جملہ پھر, اس لیے کہ لکھا ہوا جملہ ہے. شاہ عبدالحق دہلوی نے لکھا کہ جب بھائی نے
भाई को कांधे पर सवार कर लिया उबल को तोड़ने के लिए। तो लोगों ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, अली कारे हक कर रहे हैं, मैं बारे हक उठा रहा हूं। अली कारे हक कर रहे हैं, मैं बारे हक उठाए हुए हूं। ये दो बुत शिकन थे जिनके आबा में बुत शिकनी न थी, बुत परस्ती न थी जिनके आबा में, जिनके आबा में वसन परस्ती न थी, ये वो बुत शिकन थे नहीं जिनकी नस्लों में बुत परस्ती नहीं आई, जिनकी नस्लों में बुत परस्ती नहीं आई। इब्राहिम बुतशिकन, इस्माइल बुतशिकन, औलाद इस्माइल में एक वक्फा आया और फिर उसके बाद वो आए कि जिन्होंने बुतशिकनी की। मगर इब्राहिम की हद तक ये कि उन्होंने किस किस की दुश्मनी मोल ली, ये तो तारीख में है कि मंजनीख में बिठा दिया, आग के हवाले कर दिया। और अली ने वो दुश्मनियां मोल ली कि उसका अंदाजा मेरी नवी मुहर्रम की तकरीर से आपको हो गया कि अली की वाहिद ख्वाहिश क्या थी। और उसके बाद वो वक्त आया कि तय कर लिया कि हम अपने बुजुर्गों का बदला लेंगे। तो नाम था बुजुर्गों का मगर सबके दिलों में अपने अपने खुदाओं की मोहब्बत थी। हर कबीला यह कह रहा था कि हमको बड़ी ठेस लगी है, बुत खत्म हो गए थे, शख्सियतें आ गई थी, सनम खत्म हो गए थे, अफराद बीच में आ गए थे। और इस तरह से अब वो वक्त आ गया कि जहां यह तय पा गया कि अब इनके घर को हमेशा के लिए तबाह कर डालू। देखिए चंद बातें हर मजलिस में मेरी हिफाजत के काबिल होती है। और मैं एक और जुमला इस वक्त कह रहा हूं, उससे बहुत और कीजिए। इधर उन्होंने यह तय किया कि इनकी नस्ल को खत्म कर दें, और इधर नस्ल अबू तालिब ने यह तय किया कि हर वो मौका के जहां दुनिया हमसे इंतकाम लेना चाहे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, उससे दरगुजर नहीं करेंगे, बल्कि उससे फायदा उठाएंगे, ताकि सही माना में कहीं किसी मौके पर किसी नस्ल में जाके दिमागों को सुकून मिले कि जो रास्ते को इख्तियार किया है वो सही है कि नहीं है। आज वो अमन दिमागों को हासिल, दोस्तों को वो अमन हासिल। कोशिश क्या की? कोशिश यह की कि बाद रसूल जब कभी कोई बात हुई, औलाद अबू तालिब ने यह चाहा कि ऐलान हो जाए कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हमारा मौकफ क्या है। करबला हमें बहुत सी बातें याद रखने के काबिल, बहुत सी बातें याद रखने के काबिल है, मगर उन बातों में एक अहम बात वो ये कि जो शहीद आता था वो पहले ये ऐलान करता था कि वो कौन है, उसको रजत कहते। अरब में अगरचे ये बहुत कदीम सी आदत थी कि पहलवान जब मुकाबिल में आते तो रजत पहुंचे, मगर करबला में रजत खानी, जबकि वक्त कम था, काम ज्यादा था, वादागाह का वक्त करीब था, ऐसे में बार बार शहीदों का रजत पड़ना। तो मैं सिर्फ इस तरह मुतवज्जे करूं आखिर कलाम में कि ऐसे में आपको ताज्जुब होगा कि चंद अफराद की रजत खानी तारीख ने महफूज की। अब्बास, अब्बास ने बड़ा तवील रजत पड़ा। खुदा करे कभी मेरा हाफिजा साथ दे और मैं आपको एक एक का रजत पढ़ के सुनूं। अब्बास ने रजत खानी की है
और जब आए हैं तो बतलाया, अगर पहचानते नहीं हो तो पहचान लो मैं अली का बेटा हूं। अरे मतलब ये कमी न करना जुल्म में, फिर ये न कहना कि हम नहीं जानते थे, मैं अली का बेटा हूं, मेरा नाम अब्बास है, मैं बनी हाशिम का खादिम हूं और मुझे अमर कहते हैं बनी हाशिम। रजस के अल्फाज, अब्बास के भाइयों ने रजस मोही है और सबों ने यह कहा कि हम अबू तालिब के पोते हैं, अली की औलाद है। हजरत कासिम ने जब रजस मोही है तो कासिम ने कहा मैं हसन का बेटा हूं, मैं मोहम्मद के बड़े नवासे का बेटा हूं। यह आपको पूरे मकासिल में मिलेगा मगर जरा सी तफसील में जाना पड़ेगा, वक्त नहीं मिलता है मुहर्रम में कि इन तमाम तफसीलों में जाएं, इसलिए मैं इन औकात को मुनासिब जानता हूं। जब हजरत कासिम ने रजस पढ़ी है और यह कहा है कि मैं हसन मुश्तबा का लाल हूं, मोहम्मद की आल हूं और मैं तुमको चैलेंज करने के लिए आया हूं कि तुम अपने बड़े बड़े पहलवानों को सामने लाओ, तो आपको मालूम है कि चार पहलवान इसी रजस को सुन के आए थे कि 13 बरस का बच्चा इस तरह से ये रजस पड़ रहा है। गुफ्तगू खत्म हुई मगर उलमाए मकातिल ने लिखा कि जंग के लिए तो यकीनन अब्बास की जंग सब में अहम थी, मगर बहुत गौर से सुने, रजस के लिए सारे उलमाए मकातिल ने लिखा जो रजस अली अकबर ने पढ़ा। यही वजह थी उलमाए मकातिल ने लिखा बेटे ने बाप को आवाज दी और हुसैन अब जो चले तो सरदाराने लश्कर अपने अपने घोड़ों की दागों को खींचे हुए सर आगे बड़ा बड़ा कर देख रहे थे कि हुसैन किस इस्तकलाल से आ रहे हैं, हुसैन किस मतानत के साथ, किस इस्तेहकाम मिजाज के साथ आगे बढ़ रहे। फौजों ने मुजाहिरा देखा हुसैन के अमन का, न आह की न नाला किया न बयान किए, खामोश आए, पैदल आए, पापियादा आए, घोड़े पर सवार नहीं आए। अली अकबर जमीन पर थे, फौजों ने अली अकबर को घेर लिया, मगर जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़ते जाते थे फौजें हटती जाती थी कि देखो ये बूढ़ा जवान बेटे की लाश पे आता है। ये बूढ़ा जवान बेटे की लाश पर किस तरह से आता है और हुसैन आए। उलमाए मकातिल ने फिक्र हुसैनी की जो तस्वीर खींची कि किस कदर मामून थी ये फिक्र, बैठ गए रेती पर, बैठ रेती पर बैठ गए और अली अकबर के सर को उठा के जानू पर रखा, जानू पर रखा और फिर मालूम नहीं कितने आंसू थे आंखों में और मालूम नहीं ये आंसुओं का क्या दरिया उबल रहा था, बच्चा पहचाना नहीं गया तो दोनों हाथ सर के नीचे देके सर को और बुलंद किया और बुलंद किया और बुलंद किया, वजह खद हुआ ला खत, बेटे के रुखसार पर अपना रुखसार रख दिया और वह काला सलासा मर्रात और 3 मरतबा का अली अकबर। सैयदी व मौलाया खुदावंदा हमको काम ले, हमारे हवाई यकीन।